गया। प्रपोजल ऑफर एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं फटाफट से, ज्यादा समय नहीं गाएंगे। प्रपोजल ऑफर एक्सेप्टेंस सेक्शन क्या बेटा, 2A ऑफ द सेक्शन 2 सबसेक्शन है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल ऑफर एंड प्रपोजल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, मतलब उसका परमिशन देता है, टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, उसकी इच्छा है काम करने की, और abstain from doing anything, या कुछ न करना, with view to obtain क्या बेटा, assent of that other in such an act, और absentees मतलब न करना, कुछ act करना या कुछ act न करना, he is said to make proposal। अब तुम थोड़ा गहराई को समझो, तुमने देखा था पहले contract, contract कैसे बनता है, तुम बोलोगे एग्रीमेंट प्लस इंफोर्स, फिर तुमने एग्रीमेंट को डिवाइड किया, प्रपोजल एग्रीमेंट का सेक्शन था 2 सबसेक्शन ई, प्रपोजल का क्या था, मतलब इसका क्या था, ऑफर का प्रॉमिस का 2 सबसेक्शन बी, और प्रॉमिस में उन्होंने दो वर्ड बोले थे, व्हेन ऑफर या प्रपोजल क्या एक्सेप्टेड दिस बिकम द प्रॉमिस, ऑफर मतलब क्या, जब तुम सिग्निफाइज करते हो कुछ चीज करने का, देखो एसेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल, नहीं तो क्या बेटा ऑफर, the person making the proposal or offer is called, उसको क्या कहा जाएगा, promiser नहीं तो offerer, the person to whom the offer is made is called offeree, मतलब ये है सर A, ये offer कर रहा है कि मेरी गाड़ी तू खरीद ले, इसको B को, तो इसे क्या कहा जाएगा, offerer नहीं तो promiser, और जो offer accept कर रहा है उसे क्या कहा जाएगा, offeree, and the person accepting offer is called क्या बेटा, offeree, या तो क्या प्रॉमिसी और एक्सेप्टर, समझा ना बेटा, यस, मतलब इसको ऑफर ही बोलेंगे, प्रॉमिसी भी बोलेंगे, या तो एक्सेप्टर भी बोलेंगे, समझा, ओके, इतना था बेसिक का, एसेंशियल है पहला पॉइंट है, एकदम फालतू का पॉइंट है, ज्यादा नोट नहीं है। दूसरा, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, उसे बोलना चाहिए कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है, there must be an expression of willingness to do or not to do by the offerer, offerer मतलब जो पहले proposal करता है, A willing to sell his car at certain price to B, तो A ने क्या किया भाई, इच्छा दिखाई अपनी, क्या उसे क्या सेल करना है उसका कार। दूसरा, A is willing to not to क्या बेटा, does in competition if B pays him certain sum of money, मतलब सर सिंपल सी बात है, competition आ रहा है, suppose जहाँ पे यश चंदन तनिष पार्टिसिपेट कर रहे, अब यश बोल रहे चंदा तनिष को, देखो भाई मेरे को जितना इज्जत का सवाल, कोई डांस देखने आने वाला और कॉम्पिटिशन मेरे को ही जितना होगा, तो ठीक है, और ट्रॉफी मेरे को मिलनी चाहिए, तो चंदन और तनिष को पैसा 2-2 लाख रुपए देगा तुमको डांस न करने का, ऑफर एक्सेप्ट कर देगा, नॉट टू डू समथिंग, तुम डांस मत करो, तुमको पैसा मिल रहा है ना, बात का, तो कुछ करवाने का भी ऑफर होता है और कुछ न करवाने का भी ऑफर होता है, विलिंगनेस टू डू और क्या नॉट टू डू समथिंग, मतलब लोग बच्चों को यही पे डाउट आता है, टू डू और नॉट टू डू मतलब क्या, कुछ करवाना और कुछ ना कराना, आप ये क्या बोल रहे हैं यश, कि भाई तुम लोग पार्टिसिपेट मत करो, तुम ये नहीं करोगे तो तुमको मैं इतना पैसा, तो कुछ करने का बोले कुछ ना करने का बोले कुछ ना करने, दैट्स एग्जांपल, ठीक है, तो दूसरा हो गया, तो समझा ना, वैलिड फॉर वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इज मस्ट एक्सप्रेस, उसने ये बताना चाहिए हिज विलिंगनेस टू डू और क्या नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समझा बेटा, ये बहुत बार ये नहीं समझ में आता, टू डू समझ जाता, लेकिन नॉट टू डू समझता है, लेकिन आप समझ जाओगे। तीसरा, the willingness must be expressed with view to obtain क्या बेटा, assent, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मेरी गाड़ी बेचना तो खरीद ले, पूछूंगा खरीदोगे क्या, अलग भावना समझ के हो गया, मतलब तुम किसी को पूछते हो कि भाई तुमको खरीदने है क्या, मैं गाड़ी बेचने वाला, तुम ऐसा बोलते क्या, मार्क मैं गाड़ी बेच क्यों उठा सकता, ऐसे बोलोगे क्या, नहीं, तो क्या बेटा आप सामने वाले का क्या लोगे, assent of the other party to whom the offer is made, it tells me that he desired to marry by the end of 2019. It does not constitute an kya beta offer of marriage by A to B. इसे offer नहीं कहा जाएगा। मतलब यह जारी बोलेगा लंडे फोन किया शादी करने। ऐसा नहीं शादी करने। Proposal कैसा रहता? Will you
अरे सिंपल सी बात है, तो आप पूछ तो असेंट मतलब सामने की परमिशन मांगते हो। तो यहाँ पे अगर ये बोलेगा कि फोन क्या बोले, अपना मेरी डिजायर है, मेरी इच्छा है क्या 2019 तक में शादी करूँ, अगर इच्छा हो गई बात हुई तो क्या होगा, देयर इज तो ऑफ देयरफॉर टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन। कैसे भाई, किस चीज के लिए हम ऑफर करेंगे, क्या ऑब्टेन करने के लिए, असेंट मतलब क्या एक्सेप्टेंस, ऑब्टेन मतलब उसकी परमिशन लेना, ऑप्टन म्हणजे काहीतरी आम्ही मिळवलं, काय मिळवलं त्याची परमिशन, असेंट मतलब एक्सेप्टन्स ऑफ द ऑर्डर। दस इफ इन द अबव एक्झाम्पल ए फर्दर एक्ट्स विल यू मैरी मी, इट विल कॉन्स्टिट्यूट करता ऑफर। हम शादी करेंगे ऑफर नहीं हुआ, क्या हम शादी कर सकते, ये क्या हुआ ऑफर। इसमें आप सामने वाले को क्या पूछ रहे हो, परमिशन मांग, पालतू ऑफर। ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज क्या हो सकता है नेगेटिव। सर ऐसे क्यों दिया, आपको कभी पूछ लिया जाएगा कि ऑफर से पॉजिटिव ही रहेगा क्या, नॉट नेसेसरी, वो पॉजिटिव हो सकता नेगेटिव हो सकता है। दस डूइंग इज अ पॉजिटिव एक्ट एंड नॉट डूइंग और एफटी, ये देखो ना एफटीएंस जो है ये भी उसी का है, नॉट टू डू समथिंग वाला, ठीक है, किसी को रोकना इज नेगेटिव एक्ट। तो मुझे बताओ ट्रू और फॉल्स, ऑफर ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव मतलब टू डू और नॉट टू डू मतलब नेगेटिव। Nonetheless, both these acts have same effect in the eyes of law, और दोनों के सेम ही इफेक्ट रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 34, ये ऑफर कर रहा है सेल उस कार को भी 3 लाख रुपए में, इस एक्ट ऑफ डूइंग पॉजिटिव ऑफर है कि नेगेटिव ऑफर है, पॉजिटिव टू डू समथिंग पॉजिटिव, देखो नया टर्म है एकदम फालतू ही रहे, बोलो पॉजिटिव के नेगेटिव क्या बोलने का, अगर टू डू है तो पॉजिटिव ही रहेगा सर। तो इन केस ए मेकिंग विच ऑफर बेटा टू बी पॉजिटिव ऑफर, व्हेन ए बी आफ्टर कार मीट्स विद एन एक्सीडेंट विद बी स्कूटर नॉट गो टू कोर्ट एंड ही विल पे द रिपेयर चार्जेस टू बी फॉर डैमेजेस बी स्कूटर, द एक्ट इज नॉट टू डू या एब्सटेन एब्सटेंस मतलब क्या सर, ये क्या रहेगा टू डू या पॉजिटिव या नेगेटिव ऑफर रहेगा, नेगेटिव ऑफर कैन बी पॉजिटिव और क्या नेगेटिव। तो अभी आपने ऑफर के क्या देखा बेटा, देखो essentials of क्या proposal तो offer, essentials of proposal the proposal the person making proposal or offer is called promissor or offerer, promissor or offerer, valid offer for valid offer the party making it must express his willingness to do or not to do, the willingness must be expressed with view to obtain the assent or offer can be positive as well as क्या types of contract हमने देखी है, अब हम क्या देखेंगे types of पूछ रहा है विल यू मैरी मी, ये कौन सा ऑफर हो गया एक्सप्रेस, ठीक है, यस गया घर पे उठा के लेगा मन में हाथ आते हैं मतलब कुछ नहीं, वो बंदा जब वो कुली गया उसने सामान उठाया बिना बोले तो उसकी तरफ से कौन सा ऑफर था इम्प्लाइड, और उस अंकल ने कुछ नहीं बोला तो उनकी तरफ से कौन सा एक्सेप्टेंस था इम्प्लाइड, ये भी आगे आने वाला है, ठीक है उसी का सिंपल सा है। और तो हम इसको दिया जाता है तो एक जनरल ऑफर होता है और एक क्या होता है बेटा, बिग बाजार वाले बोल रहे हैं, मतलब तो बिग बाजार रहा नहीं करके, स्मार्ट बाजार वाले बोल रहे हैं कि 50% ऑफर स्पेसिफिक में जनरल कोई भी आओ और उस ऑफर का फायदा होता, ये क्या हो गया जनरल ऑफर। यस बोल रहा है मेरा स्वयंवर हो, जिस लड़की को इच्छा है आओ स्वयंवर में, ये कौन सा जनरल ऑफर, लेकिन यस स्पेशली बोल रहा है लुंडी तो औरत हुई, ये कौन सा हो गया स्पेशल, तो ये इस प्रकार के इसको दिया जा रहा है, तो जनरल और क्या रहेगा स्पेशल, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफर, और ऑफर कैन बी क्लासिफाइड एज जनरल ऑफर स्पेशल ऑफर क्रॉस ऑफर काउंटर ऑफर स्टैंडिंग ऑफर, तो ये सब देखेंगे हम लोग, एकदम सिंपल है कि इतने 5 प्रकार देख लेना, जनरल स्पेशल काउंटर क्रॉस और स्टैंडिंग, लेट्स सी पहला जनरल ऑफर, और इसके ऊपर केस भी देखेंगे और अनटेक भी देखेंगे। जनरल ऑफर क्या बेटा, इट इज ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये ऑफर किसी के लिए कुछ वर्ड अंडरलाइन करना आप भी मॉड्यूल में कर लेते जाना तो फिर आपको अच्छा लगेगा। इट इज ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज मतलब ये किसको, एक को नहीं दिया, पूरे पब्लिक को एक साथ दे दिया गया, एंड हिंस एनीवन कोई भी एक ने एनीवन कैन एक्सेप्ट द ऑफर टू डू द डिजायर एक्ट, और ये नाम देख रहे हो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक्स मॉर्बल कंपनी, ये केस में मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ ऑफर
कैन कंसिडर टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, जिसने भी उसको जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए रहे उसको फुलफिल किया तो मान किया जाएगा उसने क्या किया भी उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, अंटिल द जनरल ऑफर इज क्या बेटा रिट्रैक्टेड और विथड्रॉ, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एट द टाइम ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफर। जब तक कंटिन्यू मतलब जब तक वो ऑफर चल रहा था, इसका बता दो इस साइड का मतलब, अंटिल द जनरल ऑफर इज क्या बेटा विथड्रॉ। बिग बाजार वाले बोल रहे कि 15 अगस्त तक, स्मार्ट बाजार वाले बोल रहे 15 अगस्त को आपको 80% डिस्काउंट दे रहे हैं, या 15 अगस्त को ही दे रहे हैं जनरल ऑफर था। तुम बाहर से 15 अगस्त को पहुंच नहीं पाए, तुमको एक चीज खरीदनी थी, वो 1000 की चीज कितने मिल रही होगी बेटा 200 में। अब तुम 15 तारीख को नहीं जा पाए, तुम 16 तारीख को बोले भाई वो 200 में दे, बोले नहीं अब तो सर सिस्टम में 1000 रुपया दिख रहा है, बोले कल तक तो था यार एक दिन से क्या फर्क पड़ता है देखना, तुम कल तो ले रहे थे, विषय खत्म। क्योंकि ऑफर अब क्या कर लिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया, जनरल ऑफर था लेकिन 15 तारीख को उन्होंने क्या किया उस ऑफर को विड्रॉ कर लिया। अब जैसे विड्रॉ कर लिया तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आफ्टर विड्रॉइंग नहीं, तब तक वो एक्सेप्ट होगा जब तक वो ऑफर क्या रहेगा कंटिन्यूइंग ऑफर रहेगा। भावना समझिएगा, पूरा लाइन समझ गया। ओके, अब कारगिल वर्सेस सालवाली का क्या सीन है, एक देश है जहां पे अपन पहले तो इसको ना इमेज को देखेंगे, कारगिल वर्सेस सालवाली ऑफर पानी कारगिल वर्सेस क्या बेटा सालवाली कंपनी सीएम वाले को मैं बताया था अकोमोडेशन तुम्हारा हो गया, मैंने हर एग्जाम्पल लिया था अकोमोडेशन एक ही किया ना कर। तुम देखो ये भाई ऐसे कुछ फालतू नाम नहीं दिए, एक्चुअली हुआ था कार्बन कुछ भी स्मॉल कंपनी में क्या वो क्या उसका मान लेगा नहीं बोल रहे बोल मतलब क्या कुछ तो मेडिसिन इसके वो कार देखे कुछ तो फूक रही है और धुआं निकल रही है ना, तो सीन क्या बेटा ये देखो कार्बोनिक स्मॉगबॉल कंपनी ठीक है, ये बड़ी एक कंपनी थी, इसने क्या बोला जैसे भी कोविड कैसे आया था तो कंपनी वो बोलेगी कि हमारा वैक्सीन ले लो तुमको कोविड होगा ही, वैसे इस कंपनी ने दावा किया इन्फ्लुएंजा नाम का कुछ तो डिसीज था, इन्फ्लुएंजा मतलब रहेगा कुछ तापना टाइफाइड मलेरिया से भी बीमारी रहेगी बुखार वगैरह, तो उन्होंने कहा कि हमारा ये कार्बोनिक स्मॉगबॉल आप लीजिए और इसी टर्म्स एंड कंडीशन को इस मतलब जो हमने लिस्ट बना दी उसको फॉलो कीजिए आपको इन्फ्लुएंजा होगा ही, इस सेंस आपने सब फॉलो किया लेकिन इसे इन्फ्लुएंजा हो गया। अब ये इसने क्या किया, इसने कंपनी पे केस कर दिया कि अब मेरे को पैसा दो ठीक है, रिवॉर्ड मांगा उसने कंपनी को, बोला कि अब मेरे को ना मेरे को पैसा दो क्योंकि तुमने बोला कि ये सब इसे इस्तेमाल करो मेरे को कुछ होगा नहीं, हम मैं तेरे पे दावा करता हूं। कंपनी बोली तू कैसे एक्सेप्ट कर सकते, तो फिर विषय ऐसा निकला कि वो कौन सा ऑफर था जनरल, कि पूरे न्यूज़पेपर तुमने देख के रखा था कि जिसको भी मेरे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने के बाद कुछ भी हुआ तुमको पैसा देंगे, तो जब तक तुम विड्रॉ नहीं करते तब तक उसे कोई भी बंद करके एक्सेप्ट कर सकता है एक्सेप्ट, और वंस ऑफर एक्सेप्टेड एग्रीमेंट एंड क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड, तो ऑफर था ऑफर इस बंदी ने क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया। अब ऐसे इसको भी जो नाम सुन लो क्या बेटा कार्बोलिक स्मॉगबॉल कंपनी करके, तो सीन क्या है जरा ध्यान से देखना। अब पढ़ना इन द फेमस केस कार्बोलिक स्मॉगबॉल कंपनी एडवर्टाइज इन सेवरल न्यूज़पेपर दैट रिवॉर्ड कितना बेटा अभी डॉल और पाउंड जो भी इसको बोलना है ठीक है ओके 100 पाउंड्स यूरो जो भी है वुड बी गिवन टू एनी पर्सन हु अभी यहां पे कौन क्या बोला है एनी पर्सन, तो ये कौन सा ऑफर हो गया एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्टेड विद व्हाट इन्फ्लुएंजा आफ्टर यूजिंग द स्मोक बॉल प्रोड्यूस्ड बाय द कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी, कि हमने प्रोड्यूस किए हुए जो भी ये स्मोक बॉल थे यूज करने के बाद भी अगर इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम आपको 100 रुपया दे देंगे करके अपने ईमेल पे बात करते हैं ठीक है, और उस जमाने बहुत बड़ा अकॉर्डिंग टू प्रिंटेड डायरेक्शन, लेकिन तुमने वो कैसे कंज्यूम करना है जो प्रिंटेड डायरेक्शन है उसके हिसाब से, वन लेडी जिसका नाम क्या था मिसेस कार्लिन यूज द स्मॉक बॉल एज पर द डायरेक्शन ऑफ कंपनी एंड इवन देन सफर्ड फ्रॉम क्या बेटा इन्फ्लुएंजा। हेल्ड अब ये कोर्ट में गई रहेगी सब होगा, हेल्ड मतलब कोर्ट ने क्या डिसाइड किया,
she could recover the amount as by using the smoke ball she had accepted the offer. क्योंकि उन्होंने accept offer किया था तो अब वो कार्बोली smoke ball company से amount क्या कर सकती है recover कर सकती है. मौलाना समझी गए था कौन से offer में ये example आया है. ये केस स्टडी का नाम अब याद रखना क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में आपको ऐसा थोड़ा नाम याद रखना पड़ेगा तो आपका आंसर लिखने का और इम्पोर्टेंस या वैलिडिटी बढ़ अच्छा इंप्रेशन बढ़ जाएगा मेरे. दिस इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल. अब आते हैं स्पेशल और क्या बेटा स्पेसिफिक ऑफर. व्हेन द ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक और क्या बेटा और सर्टन पर्सन जो फिक्स है कि इसी को ये ऑफर देना है. स्पेसिफिक और बेटा और सर्टन मतलब जो फिक्स है मतलब इसको ढूंढ लिया गया कि यही बंदा है जो ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है. इट इज नॉन एज विच ऑफर बेटा स्पेशल ऑफ स्पेसिफिक ऑफर. स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द स्पेसिफिक पर्सन टू हुम द ऑफर हैज बीन मेड. ये केस है बोल्टन वर्सेस क्या जॉन्स. ठीक है अब यहाँ पे दिया नहीं है ए ऑफर टू बी सेल इज का बी एट सर्टन कॉस्ट इन स्पेसिफिक ऑफर. मतलब सपोज यश ऑफर कर रहा है लुंडी को विल यू मैरी मी तो मुझे बताओ कि ये जनरल ऑफर है या स्पेसिफिक ऑफर है. स्पेसिफिक ऑफर और लुंडी के साथ उसकी बहन भी थी. ठीक है गुंडी तो अब लुंडी के साथ उसकी बहन भी गुंडी. गुंडी बोलती है आई विल मैरी चलेगा क्या. नहीं ऑफर किसको दिया लुंडी एक्सेप्ट कौन करेगा. तो ये कौन स्पेसिफिक ऑफर वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको मैंने ऑफर दिया है. वो नहीं करेगा जिसको ऑफर का कोई संबंध है ही नहीं. एकदम सिंपल सॉर्टेड था. यस अब ये हो गया दूसरा. तीसरा है बेटा क्रॉस ऑफर. व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर द ऑफर आर कॉल्ड क्या बेटा क्रॉस ऑफर. देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच अ केस बिकॉज़ ऑफर मेड बाय पर्सन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर ऑफर. मतलब आपको समझना पड़ा क्योंकि ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर भावना नहीं समझे तो. नहीं तो फिर एकदम सिंपल ही. इफ ए मेक्स प्रपोजल टू बी देखना यहाँ पे मैं लिखता हूँ यह है ए तो इमेज रहेगी तो आपको अच्छे से दिखेगा भी और यह है बी. इफ ए मेक्स प्रपोजल टू बी किस चीज का बेटा सेल हिज कार फॉर 2 लाख. तो ए ने बोला कि भाई क्या तू मेरी कार 2 लाख में खरीदेगा. ए ने प्रपोजल किया और विदाउट नोइंग द प्रपोजल बी को पता ही नहीं कि भाई ऐसे कुछ होने वाला है. विदाउट नोइंग द प्रपोजल यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या बेटा विदाउट कि पता नहीं था. विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए makes an offer to purchase the same car क्या बेटा 2 lakhs from A. B ने क्या किया offer किया उसे क्या तुम मुझे तुम्हारी कार किसने में बेचोगे 2 lakh में बेचोगे. भावना समझी गई क्या. A ने B को पूछा अभी पूछा मतलब तुम बोलोगे सर कितना फालतू दिमाग में जा ही नहीं रहा ऐसे क्या फालतू तुम के उस जमाने में लेटर होते कौन बोले फोन के अलावा तुम के कार का ऐसे वो उससे में भी लेटर से भेजा रहेगा. एक लेटर उसको सेंड किया रहेगा कि मैं कार बेचने वाला हूँ तुमको खरीदने क्या. ये लेटर इस तक पहुंच नहीं रहा था तब तक इसने और एक लेटर भेज दिया कि मेरे को तेरी कार खरीदनी है बेच रहा है. भावना समझी गया. पहला लेटर आ रहा है क्या लेटर वो लेटर नहीं रे वो अरे ये रुचिका है सपोज लेटर उसने को लेटर भेजा ऐसे कि भाई सर आपको मेरी कार खरीदनी क्या. अब लेटर ऐसे बीच में रहेगा मेरे को तो पता भी नहीं और मैंने क्या किया यहाँ से दूसरा लेटर भेजा कि भाई तेरे को तेरी कार भेजनी. अब ये मेरे पास आया और वो लेटर उसके पास गया. मैंने जो लेटर इन्वेलप ओपन करके देखा यार ये तो मेरे को कुछ नहीं मेरी कार खरीदेगा 2 लाख और उसके पास लेटर था उसमें क्या लिखा है कि भाई तुम बेच रहे हो क्या. तो भाई दोनों के पास ऑफर चला गया. अब सवाल ये है सवाल पे ध्यान देना तुमको क्रॉस ऑफर तो समझ गया. सवाल ये है दोनों को क्या बेचनी है कार कितने बेचनी है 2 लाख. इसने ऑफर दिया था मैंने एक्सेप्टेंस दिया है नहीं मैंने भी क्या दिया ऑफर तो ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा नहीं ये दोनों का क्या है ऑफर से. ये तो एक रुचि कैसे बोल सकते हैं हाँ तुमने भी तुमको भी खरीदनी चाहिए मेरे को भी बेचनी है तो मैंने पूछा खरीदोगे क्या ना आपने पूछा बेचोगे क्या तो ये तुम्हारे मेरे ऑफर का एक्सेप्टेंस है ऐसे बोलोगे नहीं मुझे अलग से एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा. क्रॉस ऑफर का एक दूसरे को एक्सेप्टेंस मानेंगे नहीं. भावना समझेगा. तो हमारे लिए मतलब इसके लिए मेरे लिए भी ऑफर है और उसके लिए भी क्या है ऑफर. किसी के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है इसलिए उसको मैंने क्या बोला क्रॉस ऑफर. क्या बोला बेटा क्रॉस ऑफर. ठीक है नाउ इफ ए मेक्स प्रपोजल टू बी टू सेल कार 2 lakh विदाउट नोइंग इंपॉर्टेंट है बेटा क्या विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए मेक्स ऑफर टू परचेज सेम कार एट 2 lakh इट इज नॉट एन क्या बेटा एक्सेप्टेंस. इसी लाइन के लिए तो पढ़ा इसे एक्सेप्टेंस माना जाएगा नहीं. एज बी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रपोजल मेड बाय ए इट इज ओनली विच
of which proposal beta? Cross proposal ya to cross offer. And when two person makes offer to each other, it cannot be treated as kya mutual acceptance. इसे mutual acceptance कहा जाएगा नहीं. There is no binding contract in such a case. तो यहाँ पे binding contract नहीं हुआ. Binding मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि उसको बेचना ही पड़ेगा या मुझे खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने acceptance ही दिया. मैंने क्या दिया था? Cross मतलब offer दिया था. समझ रहे हो क्रॉस ऑफर क्या होगा? जान पूछ के नहीं, उसको मेरे को कुछ ऐसे बहुत रेयर होगा यार, लेकिन उन्होंने दिया है तो अपने को लिखना पड़ेगा या केस भी दे देंगे, तो वहां ज्यादा दिमाग मत लगाओ फिर ऐसे कैसे होता रहेगा. अब उन्होंने दे गए अगर कि भाई विदाउट नोविंग सेम ऑफर इसने उसको किया, इसने भी सेम चीज की, तो ये जो एक दूसरे को क्या हो क्रॉस, इसको क्रॉस ऑफर. लेकिन एक भी क्रॉस ऑफर को क्या नहीं माना जाएगा? एक्सेप्टेंस. क्रॉस समझा तो काउंटर समझे, काउंटर ऑफर. When the offeree offered to qualified acceptance of offer subject to modification and variation in terms of original offer is said to be have made counter offer. Listen to this. क्या था? ठीक है. Same क्या हुआ कि मैंने रुचिका को बोला मेरे को 2 लाख की कार गाड़ी बेचनी, तू खरीदेगे क्या? तो मैंने क्या किया? Offer. अगर रुचिका yes बोलती तो क्या हो जाता? एकदम clear. लेकिन रुचिका ने 2 लाख, मेरे को तो 1,80,000 में 1,000 में मिल रही थी गाड़ी, तो सर आप 1,80,000 में बेच चुके क्या? तो उसने उनको वापस एक लेटर, तो इससे वो एक्सेप्टेंस नहीं किया, उसने क्या किया? काउंटर ऑफर किया. तुम 1,80,000 में बेचोगे क्या? नहीं, ऑफर कर दिया. नहीं सकते. मैंने पहले ऑफर किया, मैंने जब ऑफर किया किसको? रुचिका को. तो मैं कौन हो गया? ऑफर. और रुचिका क्या होगी? ऑफर. क्या बोला है? काउंटर ऑफर. व्हेन द ऑफरी ऑफर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब क्या? कि मैंने बोला 2 लाख में खरीदेगे क्या, रुचिका भी 1,80,000 में बेच देगा. एक्सेप्ट तो करो, लेकिन कब बेचोगे? तो 1,80,000 में. और ये जो उसने चेंज किया ना टर्म्स एंड कंडीशन डाला, उस एक्सेप्टेंस को कौन सा बोलते क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. व्हेन ऑफरी ऑफर टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर सब्जेक्ट टू क्या बेटा? मॉडिफिकेशन. की 2 लाख का प्राइस मॉडिफाई कर दो, चेंज कर दो. कितना कर दो भाई? 1,80,000. एंड वेरिएशन. वेरिएशन मतलब भी क्या? चेंज हो गया उसमें. मॉडिफिकेशन वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर इज सेड टू हैव मेड व्हिच ऑफर बेटा? काउंटर ऑफर. एंड काउंटर ऑफर अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ व्हिच ऑफर? ओरिजिनल ऑफर. तो जैसे मैंने 2 लाख रुपए का, देखना बहुत ध्यान से देखना, आप सारे सवाल के सही जवाब दोगे. जब मैंने 2 लाख का ऑफर किया तो इसे इनको काउंटर ऑफर किया. कितने का? 1,80,000. मतलब बोल रहा था मैं 2 लाख में इच्छा थी, वैसे तो 3 लाख में मिलती है गाड़ी, लेकिन मैं 2 लाख में बेच रहा था. अब इसको रियलाइज हुआ साला ये तो गलत हो गया, मैंने बोलना नहीं चाहिए था. एक बोले सर एक्सेप्टेड 2 लाख. मैंने कौन सा ऑफर? बोले आपने दिया था 2 लाख का ऑफर पहले. बोले खत्म. वंस अ काउंटर ऑफर इज इशूड ओरिजिनल ऑफर व्हाट? आंसर. ओरिजिनल ऑफर क्या होगा बेटा? ओरिजिनल ऑफर क्या रहेगा? रिजेक्ट. मतलब ओरिजिनल ऑफर का कोई संबंध रहेगा नहीं. काउंटर ऑफर बेचते ओरिजिनल क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है, कैंसिल होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल एक्सेप्टेंस. और काउंटर ऑफर को क्या बोलेंगे अपन? कौन सा एक्सेप्टेंस बेटा? कंडीशनल एक्सेप्टेंस. ए ऑफर टू बी सेल प्लॉट कितने का बेटा? 10 लाख. बी एग्री टू बाय इट फॉर 8 लाख. कौन सा एग्जांपल है? क्रॉस ऑफर के काउंटर ऑफर. जैसे काउंटर ऑफर किया तो ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. इफ इट अमाउंट्स टू क्या बेटा? पीछा काउंटर ऑफर. इट विल रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ ऑफर ऑफ. टर्मिनेशन समझता है? टर्मिनेशन मतलब कैंसिल हो गया. कौन सा ऑफर? 10 लाख का जो उसने दिया. टर्मिनेशन मतलब कैंसिल हो गया. इफ लेटर बी एग्री टू बाय द प्लॉट फॉर 10 लाख. अगर मैं बाद में बोलता है 10 लाख में भी बेच दे, तो क्या ए एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं, ए उसे रिफ्यूज कर सकता है. और डिपेंड, अब इच्छा होगी तो करेगा, नहीं तो. लेकिन अभी ये जोर जबरदस्ती नहीं करेगा. कौन बेटा? बी. वो इसमें बोले अभी खरीद ले तो क्या? स्टैंडिंग ऑफर. देखो पांचवा स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और An offer which allowed to remain open open for acceptance over a period of time is known as kya? Standing or continuing or open offer. Tender that are invited for supply of goods is kind of kya? Standing offer. कि मैंने government ने कोई tender निकाला. Tender ये निकाला कि भाई तुम क्या कीजिए, तुम एक काम कीजिए कि तुमको जो जो जिन लोगों को लगता है कि ये accept करना चाहिए क्या टेंडर तुमको देना चाहिए करके, तो आप दे दीजिए टेंडर पर. और हम जिसको लेगा उसको 10 तारीख तक मुदत है, जिसको जिसको भेजना है एप्लीकेशन कर दो. तो कोई ऑफर अगर कुछ समय तक ओपन है तो उसको कौन सा ऑफर कहेंगे? स्टैंडिंग और क्या? कंटिन्यूइंग और क्या? ओपन ऑफर. अब मुझे बताओ बेटा,
हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? काइंड्स ऑफ ऑफर हमने पढ़ा, काइंड्स ऑफ कितने काइंड्स ऑफ ऑफर पढ़े? दो, पांच काइंड्स ऑफ ऑफर। कितने काइंड्स के बेसिस दो थे ना, इसके सब टाइप कितने हो गए? मेन अपन कितने बड़े? चार के पांच। एक पहला कौन सा ऑफर था? तो आप लोगों का काम ये मैं अभी करके बताऊं, लेकिन आप उसे करना। जनरल ऑफर, जनरल ऑफर में केस था स्टील वर्सेस कार्बोलिक स्नोबॉल कंपनी, ये था जनरल। फिर कौन सा ऑफर था? स्पेसिफिक या स्पेशल? स्पेसिफिक ऑफर, होटल वर्सेस जो भी है। फिर तीसरा क्या था? फिर क्या था बेटा? काउंटर ऑफर, ठीक है। आपको ऐसे लिख लिख के अगर पढ़ना, इसके जितने भी छोटे छोटे वर्ड्स हैं शॉर्ट फॉर्म निकाल लो कि आप क्रॉस ऑफर में ज्यादा से ज्यादा क्या याद रख सकते हो। आपको पूरा नहीं, आप एग्जांपल तो याद रख ही सकते हो और एग्जांपल से अपना लैंग्वेज तो बना ही सकते हो। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट था, जो भी ऑफरी है, जो भी सामने वाला पार्टी है, वो ऑफर कर रहा है क्रॉस ऑफर, नोइंग या विदाउट नोइंग, इसमें विदाउट नोइंग वर्ड आना चाहिए। विदाउट पता है इसको क्या बनाएंगे? क्रॉस ऑफर। जब आप काउंटर ऑफर है तो कीवर्ड लिख दो यहाँ पे कि ये क्या कर रहा है सर, एक्सेप्टेंस तो दे रहा है, बट कौन सा एक्सेप्टेंस दे रहा है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, मतलब एग्जांपल लिख दो कि भाई, तो एग्जांपल के थ्रू चेक आंसर देख करने वाले को भी समझाएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझाए। और भी ऑफर बेटा स्टैंडिंग ऑफर यहाँ पे इतना लिख देना है जो ऑफर कुछ समय तक ओपन रहता है, आपसे कौन सा ऑफर बोलेगा बेटा? स्टैंडिंग ऑफर। सिंपल, मतलब अब ये मेरे कहा ना वॉल्यूम बढ़ते जाए, आपको वो पढ़ना पड़ेगा, फिर ऑप्शन नहीं मान लीजिए। तो इजी है पर पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ये पढ़ने के बाद एसेंशियल तो पाएगा, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग दिस रिलेशन, ये हमने पढ़ा, निकल गया डोमेस्टिक और वो चल पता चलेगा नहीं। ऑफर मस्ट बी इन सच अ लॉ कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेंस एंड गिविंग रेज टू लीगल रिलेशन, इफ द ऑफर डज नॉट इंटेंड टू गिव द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एंड क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, इट नॉट कंसिडर एज अ बेटा valid offer in the eyes of law. A social invitation, even if it is accepted, does not create legal relation because it is not intended. मतलब सर क्या हुआ? किसी को आपने घर पे खाने के लिए निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया, और क्या हुआ सर कि वो बेचारे उन्होंने खाना नहीं बनाया आपके घर पे, और आप ताला लगा के कुछ होटल में खाने चले, तो लेकिन सर तो मैं केस कर दूंगा, मेरा ऑफर था मैंने एक्सेप्टेंस किया हमारे घर पे, तो ये कौन सा ऑफर एक्सेप्टेंस है? सोशल, तो इसका कोई संबंध है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ? इट मस्ट सर्टन डेफिनेट एंड नॉट वेग, याद आ रहा है, मतलब ये पूरा कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट में सीख चुके हो, तो ये एडवांटेज है कॉन्ट्रैक्ट का कि बड़ा है लेकिन आपको समझ जाएगा कि इतना लेंथी उसका कोई सेंस नहीं बनता, कॉमन सेंस के आंसर लिख सकते हो क्या? सर्टन मतलब वो ऑयल का एग्जांपल याद आ रहा है, मैं ऑयल सेल करूंगा लेकिन कौन सा ऑयल ये नहीं बताया, तो ये क्या था? वेग था, सर्टन नहीं था, तो ऑफर ही सर्टन नहीं था। उन्होंने एसेंशियल है कि ऑफर क्या होना चाहिए? सर्टन डेफिनेट था ना, क्रेडिट पीरियड अच्छा दे दूंगा, कितना दे दूंगा पता नहीं, डेफिनेट नहीं था, तो भी क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ऑफर ही क्या नहीं है? डेफिनेट नहीं है। इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर वेग एंड इनडेफिनेट, डेफिनेट नहीं मतलब इनडेफिनेट, इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट क्या? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। दस वेर ए ऑफर टू सेल बी 100 क्विंटल ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग व्हाटएवर टू शो दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड, भाई वो कोकोनट ऑयल बेच रहा है कि क्या बेच रहा है पता नहीं। द ऑफर इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेंस फॉर वांट ऑफ क्या बेटा? सर्टेनिटी। तीसरा, इट मस्ट कम्युनिकेटेड टू क्या बेटा? ऑफरिंग, जो भी ऑफर है वो कम्युनिकेट तो होना चाहिए, मतलब सर बिना कम्युनिकेशन मतलब क्या बोलना चाहते हैं जरा देखो। एन ऑफर टू बी कंप्लीट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द क्या बेटा? पर्सन टू हूम इट इज मेड, अदरवाइज अगर वो कम्युनिकेट नहीं हुआ देर कैन बी क्या बेटा? नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट, अगर उसे वो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो उसे एक्सेप्टेंस माना जाएगा नहीं। Unless the offer is communicated, जब तक offer communicate नहीं होता, there can be क्या? No acceptance by it. An acceptance of offer, an ignorance of offer is not acceptance and does not क्या बेटा? Confer any right on the acceptor. अब सर क्या कहना चाहते हैं? तू तो तू समझा नहीं क्या सीन था? जरा समझते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा सा था केस भी। लाल मन शुक्ला वर्सेस क्या बेटा? गौरी मन। इसका क्या है कि ऑफर तभी एक्सेप्टेड माना जाएगा जब वो क्या हो गया? कम्युनिकेट। यहाँ पे जी मतलब कौन सा बेटा? गौरी। गौरी दत्त सेंड हिज सर्वेंट, उसका सर्वेंट क्या था? एल मतलब लाल।
ट्रेस ट्रेस मतलब ढूंढना, हिज मिसिंग नेफ्यू, कि उसका जो भी बच्चा था नेफ्यू था गुम हो गया था, तो गौरी दत्त ने क्या किया, इसको भेजा उसके सर्वेंट को। ही देन अनाउंस, सर्वेंट जब चला गया तो ये जो गौरी दत्त था उसने अनाउंस किया कि दैट एनीबडी हु ट्रेस नेफ्यू वुड एंटाइटल्ड सर्टन रिवॉर्ड, जो मेरे बच्चे को ढूंढेगा उसको मैं क्या करूंगा, रिवॉर्ड मतलब बख्शीश दूंगा। लालमन को बच्चा मिल गया, इन द इग्नोरेंस को क्या हटा, अनाउंसमेंट। भावना समझ रहे कि लालमन 12 बजे घर से निकला और 1 बजे गौरी दत्त ने क्या किया, रिवॉर्ड अनाउंस किया कि जो भी मेरे बच्चों को ढूंढ के लाएगा उसको 5 लाख रुपए दूंगी। और ये बात किसको नहीं पता है, लालमन को पता ही नहीं, जो सर्वेंट था वो तो अपने काम के लिए निकल गया भाई, साहब जी ने बोला तो चला गया। ऑफर कम्युनिकेट हुआ है क्या, और ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस मिलेगा क्या, नहीं। सीन देखना सब्सिक्वेंटली उसके बाद व्हेन द ही केम टू नो द रिवॉर्ड, मतलब लालमन अपने बच्चे को मतलब ट्रेस भी कर लिया, बच्चे को लेके भी आया, उसे पता ही नहीं था कि क्या कम्युनिकेशन हुआ है। बाद में वो बोलता है साहब आपने 5 लाख रुपए का वादा किया था, मेरे को मिला, मेरे को 5 लाख रुपए दो, मालिक ने नहीं दिया, ये वो मालिक पे केस कर दिया, 5 लाख। मालिक ने कौन से पॉइंट पे केस लड़ा, किसने तो मांगा, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, इट वॉज नॉट एंटाइटल्ड रिवॉर्ड एज वी डिड नॉट नो द ऑफर, कि जो ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई उसे तुम एक्सेप्टेंस कर सकते नहीं। इसेंशियल एलिमेंट है कि वो ऑफर मस्ट भी क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट। और लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त क्या केस है, कि जो मालिक है वो अपने नौकर को किसी काम से बेचता है और वो जाने के बाद क्या अनाउंस करता है, रिवॉर्ड। आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर लालमन पढ़ लेता तो उसने प्रूव करके देना है कि पढ़ लिया ढूंढने से पहले, और ढूंढने से पहले अगर पढ़ लिया तो ले भी रिवॉर्ड। लेकिन हमने तो क्या प्रूव कर दिया, तुझे ऑफर पता नहीं था, और तुझे अगर ऑफर कम्युनिकेटेड ही नहीं हुआ तो क्या नहीं कर सकता, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। भावना समझाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ रखना, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक के बाद आपने और एक केस पढ़ा है क्या बेटा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ऑफर क्या बेटा, इट मस्ट बी मेड विद ड्यू टू ऑब्टेन क्या बेटा, असेंट ऑफ द अदर पार्टी। में बताऊंगा मेरी, ऑलरेडी बता दिया क्या, मैरी भी नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते, विल यू मैरी। तो आप इस तरीके से ऑफर करो कि आपको उसका परमिशन लेना है। इट मे बी ऑफर क्या हो सकता है, कंडीशन। एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफर, ऑफर हैज टू पेमेंट बाय आरटीजीएस एनईएफटी एक्सेट्रा, द ऑफर विल हैव टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड अदर ऑफर, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। मैंने बोला क्लास पे एडमिशन लेना है, चेक से पेमेंट करना है या फोन पे से ही करना है तो ही लो, नहीं तो मत लो। तो अब ये क्या हो गया, कंडीशनल ऑफर, अब तुमको है तो एक्सेप्ट करो नहीं तो मत करो। ऑफर शुड नॉट कंटेन टर्म्स क्या बेटा, नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू क्या बेटा, एक्सेप्शन। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, यश ने प्रपोज तो किया लुड्डी को, विल यू मैरी, और बोला कि अगर 2 दिन के अंदर आंसर नहीं देगी तो मान लूंगा तेरा हाथ, कुछ भी मैं है ना कि अगर 2 दिन के अंदर अगर कुछ नहीं बोली तो मैं क्या मान लूंगा, ऐसा होता है क्या कभी, नहीं। तो अब ये सीन क्या है, तो नॉन कंप्लायंस, आपने कुछ नहीं बोला तो हम क्या बोल लेंगे, हाँ ऐसा ऑफर कभी भी होता नहीं, क्या था। Thus, one cannot say that if acceptance is not communicated by certain time, 2 दिन के अंदर अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो ऑफर वुड कंसिडर एज एक्सेप्टेड, ऐसा कभी भी ऑफर दे सकते नहीं। For example, A proposed B to purchase his Android mobile for 5,000 and if no reply by him in a week, अगर week में reply नहीं आया, it would assume that B ने क्या कर लिया proposal, accept। ये चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं। This would not result in the क्या बेटा, contract। तो offer में either क्या हो सकता है बेटा, specific नहीं तो general। भावना समझ गया, specific मतलब एक certain person को, general मतलब पूरे गांव। Offer may be expressed और क्या, implied। मतलब क्या हो सकता है, offer may be made either by words or by बॉय स्टार्ट क्लीनिंग कार एट स्टॉप इट स्टॉप ऑन द ट्रैफिक सिग्नल विदाउट बीइंग अस्ट टू डू सो इन सच अ सर्कमस्टेंस एनी रीजनेबल मैन कुड गेस दैट ही इज एक्सपेक्ट टू पे फॉर दिस हियर बॉय मेक्स एन इंप्लाइड ऑफर ठीक है भाई यहाँ पे बॉय ने क्या किया इंप्लाइड ऑफर किया फालतू सी बात ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम क्या बेटा मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इन्विटेशन टू ऑफर अ मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस एडवर्टीजमेंट वगैरह वगैरह देखते हैं क्या सीन है 8 पॉइंट तक तो कोई दिक्कत नहीं थी 8 पॉइंट हल्के भूल गए थे ऑफर उन्होंने से घुमाया इसको एक्स्ट्रा बढ़ाया कोई जरूरत नहीं थी इतना बढ़ाने की लेकिन अब बढ़ा है और चैप्टर बढ़ा तो अच्छे बोलते सर बहुत बड़ा चैप्टर लेकिन अब आपको अपने हिसाब से उसको कंप्रेस करके चीजों को कनेक्ट करके लिखना है तो आंसर गलत नहीं आएगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आता है तो एक्सेप्टेंस देखो यूनिट पर इससे बड़ा होता है यूनिट 2, 3, 4, 5, 6 में इतना दम नहीं है लेकिन थोड़ा अच्छा भी है यहाँ पे वही चीजें घुमाई
स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट. क्या देखो ऑफर क्या है बेटा, सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट. फ्रॉम हियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और अनाउंसमेंट. अ फादर गॉट हिज सन अबाउट हिज विश ऑफ मेकिंग हिम ओनर ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी. ये मेयर क्या बेटा, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन. उसका कोई ऑफर नहीं है. पापा बोले बेटा मेरे जाने का जो सब तेरा ही है. अच्छा सही है, तुम्हें क्यों चाहिए? इतना कमा के रखा है जिंदगी में, इतना तुमने मेहनत किया, मैं भी मेहनत करूं, मैं मेरे बच्चों के लिए छोड़ू? तुम्हें वो अभी इंस्टाग्राम पे देखा दादा जी, हाँ देखा रहे नहीं देखा तू? देखा ना यश, हाँ वो क्या बोलते दादा जी, हरियाणा है ना, हरियाणा भी जाट है वो, मतलब वायरल हो रहा है करके. और यहाँ के साला मेहनत मेरे क्या जिंदगी में, और मैं मेरे बेटे को और बहू को गाय को मजे करने दू, मैं मजे करूंगा जिंदगी में, ऐसे कोई तो बात है. लेकिन उस पापा ने कभी तो वादा किया रहेगा बच्चे से क्या, कि मेरा प्रॉपर्टी तेरे को मैं दे दूंगा. तो ये ऑफर था बच्चे को, हाँ एक्सेप्ट डन. ऐसे होगा क्या? नहीं. अब नीरज का दुकान है बहुत बड़ा, पापा ने बहुत दो दो दुकान बना के रखी, बहुत बहुत तगड़ा माल कमा के रखा है. अब नीरज को पापा बोलेंगे कि बेटा ये सब तेरा है, नीरज बोलेंगे एक्सेप्टेड, धीरे पढ़ाई छोड़ दी. बोले पापा दो चलो. बोले क्या है? बोले आपने तो ऑफर किया, मैंने एक्सेप्ट किया, अपना क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट. तो ये नहीं, पापा का क्या था? इंटेंशन था. समझ में आ रहा? तो ऑफर सिर्फ भावना है, विल, विल मतलब समझा ना, इच्छा. उसको मैं क्या नहीं बोलूंगा बेटा, ऑफर नहीं बोलूंगा. एन अनाउंसमेंट टू गिव स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन स्कोरिंग मोर देन 95% इन 12th बोर्ड इज नॉट एन क्या बेटा, ऑफर. ये कभी कभी मेरे को नहीं पड़ता, मेरे को ये वाला एग्जाम्पल. चलो मैंने आपको बताया कि तुम 95% लाओ, हाँ ये अगर ऐसे पर्सनल केस पे अनाउंसमेंट होगा तो ठीक है, लेकिन बोर्ड अनाउंसमेंट करेगा तो नहीं पड़ेगा. तुम्हारे कॉलेज वाले ने बोला 95% लाओ, तुमने बार बार मेहनत किया 95, बोले हम तो मजाक कर रहे थे. ऊपर वाला ठीक है तो आप लिखो ही मत, इसका कितना याद रखना. हाँ लेकिन याद रखना कि ऐसे ऐसे ने कॉपी पेस्ट मारा तो आप बोलना कि ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है, अनाउंसमेंट है, तो इसको हम ऑफर मानेंगे. ऑफर मस्ट बी क्या बेटा, डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट होना चाहिए फ्रॉम आंसर टू अ क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैरी वर्सेस पैसी. आंसर टू अ क्वेश्चन बेटा बहुत देखना, आराम से पढ़ लेना फिर खत्म हो जाएगा इसे. ऑब्जर्वेशन रखो, ये पूरा आपको पढ़ना है. कौन सा केस है बेटा? प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल सक्सेसिवली एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर. इन जनरल इन गिवन केस अ प्लांटिंग, प्लांटिंग मतलब क्या बेटा, इसके साथ गलत हुआ. प्लांटिंग थ्रू द टेलीग्राम अ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट मतलब जिसपे केस कर रहे हैं हम लोग, किसने गलत किया है, इस पे दावा किया है. किसने किसको पूछा? प्लांटिफ ने किसको, किसके थ्रू पूछा? टेलीग्राम. समझ रहा है? टेलीग्राम ऐप. टू क्वेश्चन, दो क्वेश्चन उसने पूछे. विल यू सेल अस बम्पर, कौन सा बेटा? बम्पर हॉल पे बॉल पे म्यूजिक का ऑर्डर किया, बम्पर हॉल पे. एंड टेलीग्राफ द लोवेस्ट कैश प्राइस, ने बोला कि तुम मुझे सेल करोगे तो यस नो कुछ तो आंसर देगा. और दूसरा उसने क्या सवाल पूछा कि इसका लोवेस्ट प्राइस बताओ. तो कितने सवाल पूछे? दो. यही पे ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान देना. द डिफेंडेंट रिप्लाइड थ्रू द टेलीग्राम दैट लोवेस्ट प्राइस पर बम्पर हॉल पे इज कितना बेटा, £900 वगैरह कुछ तो था. द प्लांटिंग सेंट अनदर टेलीग्राम स्टेटिंग वी एग्री टू बाय द बम्पर हॉल पे एट 900. हाउएवर द डिफेंडेंट रिफ्यूज टू सेल द प्रॉपर्टी एट द प्राइस. नहीं समझा क्या था सेल क्या हुआ? प्लांटिंग ने क्या किया? दो क्वेश्चन पूछे, विल यू सेल और दूसरा लोवेस्ट प्राइस क्या. डिफेंडेंट ने कौन सा सवाल का आंसर दिया? नहीं. तो उसने क्या बोला, कितने भेज दूंगा मैं? 900 pound भेज दूंगा. बोला ठीक है चल भेज दे, मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया. भाई वो ऑफर उसने दिया ही नहीं था, तूने सवाल पूछा और सवाल को उसने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, आंसर किया. तो सवाल के आंसर को ऑफर एक्सेप्टेंस माना जाएगा नहीं. अब देख लो. द प्लांटिफ सूड टू डिफेंडेंट, उसने ये भाई इतना इतना भावनिक हो गया, बोले कि तू 900 में बेची कैसे ले रहा. तो जवाब दिया मेरे को टेलीग्राम में, ऑफर रहेगा लोवेस्ट प्राइस, तो मैं केस कर देता हूं. दे हैड मेड एन ऑफर टू सेल प्रॉपर्टी 900 का, और उन्होंने क्या किया, दिया ही नहीं, तो बाउंड टू आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा. हाउएवर प्रीवी काउंसिल डिड नॉट एग्री विद द प्लांटिफ ऑन द ग्राउंड दैट व्हाइल प्लांटिफ मतलब जो बंदा था उसने क्या किया था बेटा, दो क्वेश्चन पूछे. द डिफेंडेंट रिप्लाई ओनली टू क्या बेटा, सेकंड क्वेश्चन बाय कोटिंग द क्या प्राइस. उसने पहले बोला ही नहीं कि उसको विल यू सेल, बोला यस और नो नहीं, उसने सिर्फ क्या कोट किया, प्राइस. रिजर्व देयर आंसर विद रिगार्ड टू विलिंगनेस टू सेल, उसने इसका जवाब दिया नहीं, रिजर्व करके रखा. दस दे मेड एन ऑफर एट दे नो मेड नो ऑफर एट ऑल, उसने कोई ऑफर किया ही नहीं था. देयर लॉर्डशिप हेल्ड दैट मेयर स्टेटमेंट ऑफ लोवेस्ट प्राइस एट विच द वेंडर
would sale contain no implied contract to sell to send the person who had inquired about the price. इतना फालतू है केस, मतलब तुमको क्या समझ आ रहा है? देखो मेरे पास ऑप्शन नहीं, मेरे को पढ़ाना ही है, मतलब मैं तुमको बिना पढ़ाई ये यूनिट दो दिन में खत्म कर सकता था, इतना सिंपल है। लेकिन मेरे लिए वो खत्म भी हो जाता, तुम्हारा कोई मतलब तुमको समझता नहीं, इसलिए नहीं समझता। लेकिन तुम घर पे तुमको कितना ही पढ़ने को बोलो, पूरा भरोसा तुम पढ़ोगे एक एक लाइन। लेकिन तुम ये काम तो बोलेगा तुम ही पढ़ लो भाई, कुछ है नहीं। लेकिन नाम क्या, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम का आंसर टू क्वेश्चन, खत्म हो गया। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, पुटिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट कंस्टिट्यूट इट्स ऑफर, द प्राइस लिस्ट ऑफ गुड डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सर्टन गुड्स ऑन द लिस्टेड प्राइस, इट इनविटेशन टू ऑफर। मतलब सर तुमको ऑफर और इनविटेशन का ऑफर में फर्क पता है? मैं तुमको मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ रुचिका को, बेटा 10 लाख में फोन खरीदना है, तू खरीदेगी क्या? ये क्या हो गया मेरा? और मेरा एक शॉप है जिसमें बहुत सारे फोन पड़े और मैंने एक बोर्ड लगाया कि 50% डिस्काउंट में दे, बहुत बार तुम्हारे साथ भी स्कैम और स्कीम होते रहे। तुम जाते हो तो वो आउटडेटेड स्टॉक पे 50% डिस्काउंट होता है, ओरिजिनल और फ्रेश स्टॉक पे नहीं होता। एनीवेज तुम दुकान में गए, तुमको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, अब तुमने वो और इस प्रोडक्ट पे प्राइस था कितना, 10,000। कितना था? 10,000। तुम शॉप में गए, तुमने ये प्रोडक्ट निकाला और बोला कि सर ये लो 10,000। अब हो सकता है ऐसा सेलर तुम उसे मना कर, क्या कर दो? मना। अब मना अगर कर दिया तो पॉइंट पे आता है कि तुमने अगर इस पे प्राइस टैग लगा के रखा है तो हम मानेंगे, मानना नहीं चाहिए लेकिन हम मानेंगे कि तुम्हारा ऑफर है और हम इसे क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट। और ऑफर एक्सेप्ट बिकम्स अ प्रॉमिस एग्रीमेंट पार्ट टाइम ना, तो सेलर मना कर सकता था क्या? नहीं। लेकिन सेलर क्या बोल रहा है, सिर्फ प्राइस टैग लगाना ऑफर है ही, ये क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। अब इन्विटेशन टू ऑफर क्या, तुम दुकान में जब जाओगे ना बेटा तो तुम वो प्रोडक्ट निकालोगे और सेलर को पूछोगे सर हाँ विकाई से आएगा माला घेरी से, तो ऑफर किसने दिया, बायर ने। बायर सेलर को पूछ क्या रहा है कि सर ये फोन कितने बेच रहे हैं, 10,000। ठीक है, बेच रहे क्या, मतलब ऑफर किस कौन दे रहा है, बायर दे रहा है, सेलर दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इन्विटेशन टू ऑफर। क्या बोलते हैं, इन्विटेशन टू ऑफर। तुम मॉल में जा रहे हो, बैग ले लिया, वो गाड़ी एक एक चीज उठा के कभी गया रहेगा, तुमने देखा रहेगा, भले घूमने को गए रहेगा तुम, लेकिन कोई जो खरीद रहा होगा उसको देखा रहेगा कि वे गाड़ी लेके चीजों को वहां पे डाल रहे हैं, है ना। तो वो जो बंदा है वो काउंटर पे जाता है तो सेलर उसे मना कर सकता है क्या? यस। क्यों मना कर सकता है? क्योंकि अब बायर पूछ रहा है तुम बेचोगे क्या, सेलर को लगता नहीं बेचना था, क्योंकि क्या था, इन्विटेशन टू ऑफर। सिर्फ प्राइस टैग होना ऑफर नहीं है, वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर, कि आप हमें बताओ कि आपको बेचना है। समझ में आ रहा है क्या सर? ऑफर मंजेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे का, इनविटेशन टू ऑफर क्या, इन्होंने कहा कि सिर्फ प्राइस है वो प्राइस ऑफर रहेगा नहीं, सेलर मतलब बायर को आके पूछ रहा है कि तुम बेचोगे क्या, और अब कौन ऑफर दे रहा है, बायर, और हमारी मर्जी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ना करें। मैंने एडमिशन के लिए इंक्वायरी किया, मतलब एडवर्टीजमेंट किया अपना बैच, और 4-5 एडमिशन हुआ, बैच फुल हो गया, अब जगह ही नहीं करेंगे, अब जगह ही नहीं, लोग आए बोले सर तुम्हें तो फुल एडवर्टाइजमेंट के लिए आता हमारा एडमिशन हट जाए। अब 11 में सपोज मेरे 22 एडमिशन हो गए और 3-4 महीने एडमिशन क्लोज कर दूंगा, क्योंकि उतना उनको तुमको ही बताएगा पढ़ाई के करके। तो अब वो बच्चा है कि भाई सर नहीं हमारा तो एडमिशन पाए, तो ऑफर कर रहे हैं एक्सेप्टन में दूंगा तो किसकी मर्जी, समझ रहा है? तो मैंने जो प्राइस एडवर्टीजमेंट किया, तो एडवर्टीजमेंट वगैरह क्या था, इनविटेशन टू ऑफर, वो ऑफर था नहीं, जितना समझा होगा उतना। इनविटेशन टू मेक ऑफर और डू बिजनेस, ये तो तुमको समझ गया, ये भी ऑफर रहेगा। ये देखो किसका एग्जांपल दिया है, एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन इज इनविटेशन, मतलब जो बायर आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, ऑफर करना पड़ेगा। व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू क्या बेटा, ऑप्शन, ये भी क्या नहीं माना जाएगा, ऑफर माना जाएगा नहीं, ये क्या रहेगा, इनविटेशन टू ऑफर। एंड लास्ट अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, ये ऑफर है कि नहीं है तुम बता, क्या है, नहीं है। अब सवाल आता है व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर, यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। इनविटेशन टू ऑफर में क्या रहता है कि बायर हमें पूछता है, क्या पूछता है, क्या आप सर इतने प्राइस में बेचोगे क्या, इतने में सेल करोगे क्या, अगर इच्छा है तो सेल होगा, अगर नहीं है तो तुम सेल करना मत। आज का टास्क है कि तुमको ये वाला घर पे पढ़ के आना है,
और ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और ये बहुत ही, लेकिन अभी मैं ही पढ़ा दूंगा तुम लोग पढ़ोगे नहीं, और आई वॉन्ट कि तुमको समझे कि जो मैंने बताया उतना ही है, अच्छे से पढ़ना है, और मैं कल सवाल पूछूंगा उनको पूरा एक्सप्लेन करने को लगाऊंगा, और फर्स्ट रीडिंग में समझ जाएगा, इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखना, 2 मिनट का काम है बताने, डन हो गया मेरी तरफ से, रीड करना है, और मैं कल खड़े रहकर सबको पूछूंगा कि भाई एक्सप्लेन करिए चीज क्या, ओके, एकदम बात हुए क्या है, पहले भी पढ़ी लिया था, तो बाद में बोलोगे सर तुम्हारा मेरे को नियत पता है कि क्या है, तुम्हारा सिंपल रहता है कि सब हमको खिलाओ सर, मतलब एक एक निवाला ऐसे लो और हमको मुंह में डाल के दो, हम तो पढ़ेंगे इससे। An offer is different and capable of converting an invitation into the contract. Whereas an invitation to offer is only, क्या बेटा, sorry, offer तो definite है, वो definitely contract convert करा के ही देगा, लेकिन invitation to offer क्या रहता है, इनविटेशन टू ऑफर इज ओनली क्या, सर्कुलेशन ऑफ ऑफर, हम सिर्फ ऑफर दे रहे कि हमारे यहाँ पे एडमिशन चालू है, तुम आओ पूछो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम सेल कर रहे हैं, तुम आओ पूछो बेचोगे कि नहीं बेचोगे, इट इज अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर एंड प्रीसीड डेफिनेट ऑफर, एन इनविटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रीसीडेंट टू मेकिंग एन ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट रिजल्ट टू क्या बेटा, कॉन्ट्रैक्ट, कि तुम इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे क्या, नहीं, एंड ओनली ऑफर इमर्ज इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन मतलब क्या, बायर आया उसने चीजों को देखा, वो अभी मेरे से भाव करेगा और फिर पूछेगा सर बेचना है क्या, फिर मैं एज अ सेलर डिसाइड करूंगा बेचना है कि नहीं बेचना है, इन्विटेशन टू ऑफर में एक चीज याद रखना, बार बार क्या बढ़ाएगा, नेगोशिएशन, जबकि ऑफर में कभी नेगोशिएशन होगा ही, मैंने बोला उसको मंजूर है, खत्म। When person advertise that has stock of books to sell or house to let, rent पे देना है करके, there is no offer to bound to any क्या बेटा, contract. Such advertisement are offer to क्या बेटा, negotiate offer. मतलब क्या बोल रहे लोग, कि लोग आएंगे पूछेंगे कितने रेंट है, कितने में बेचोगे, तो ये एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया, इन्विटेशन टू ऑफर. In order to ascertain, find out whether the particular statement amount to offer या invitation to offer. The test would be, test किस पे डिपेंड रहता, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटेंशन, टेस्ट किस पे डिपेंड हो जाएगा, इंटेंशन, इंटेंशन विद सच अ स्टेटमेंट मेड, कि किस इंटेंशन से स्टेटमेंट दिया गया, क्या उसको सच में बेचना था या इनविटेशन था, डज द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इंटेंड टू बी बाउंड बाय इट एज सून एज एक्सेप्टेड बाय द अदर, उसे हम क्या कह लेंगे बेटा, ऑफर, लेकिन अगर उसका इंटेंशन ऐसा है कि हम लोग क्या करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, तो नेगोशिएशन में उसको हम क्या बोलेंगे, इनविटेशन टू ऑफर, अगर इंटेंशन ऐसा है कि जैसे मेरे को कार बेचनी है, मेरे को खरीदनी, हाँ ऑफर, मेरी कार बेचने की इच्छा है जिसको खरीदनी आता है, क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर, फिर आप बताना कितने में लेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड क्या बेटा, इन्विटेशन टू ऑफर, सिर्फ ये पैरा पढ़ना, बाकी कुछ नहीं, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, कल करते नहीं, कल करके आने का, हाँ, और फिर मेरे को पूछने का कि डाउट क्या है, ये तीन तीन पार्ट है, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सेप्टेंस बताऊंगा, ओके, थैंक यू।